भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जो हमेशा अपने परिवार के साथ में ही विराजमान होते हैं, जिसके अंदर नंदी विशेष रूप से मंदिर के सम्मुख या बाहर रहते हैं। ऐसा क्यों, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भगवान अकेले नहीं बैठते, पूरे परिवार के साथ में बैठते हैं। भगवान गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी और बाहर देखे तो नंदी महाराज, अपने परिवार के साथ साथ अपने वाहन को भी भगवान शिव जी ने अग्रभाग में शिवलिंग के सामने स्थापित कराया है या उनको आदेश दिया है कि यहाँ पर आपको विराजमान रहना है। यह नंदी जी भगवान शिव के लिंग के सामने ही क्यों रहते हैं, इसका एक कारण है कि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव जी की आराधना करी और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनको पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि शिलाद के पुत्र हुए नंदी जी महाराज, वह भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। भगवान शिव ने अपने गणों में उनको प्रधान स्थान भी दिया और अपना वाहन भी बनाया। और उसके बाद में नंदी जी महाराज ने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो वरदान मांगा कि मैं सदा आपके सम्मुख रहूं। उस दिन से ही भगवान शिव ने नंदी जी से कहा कि आप हमारे सदा हमारे सामने ही रहें। तब से नंदी जी महाराज भगवान शिव के हर मंदिर के बाहर या सम्मुख अपना स्थान धारण करे हुए हैं।